इंडस सिविलाइजेशन और हड़प्पन कल्चर। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे द सिटी प्लान, टाउन एंड विलेज द अदर द सिटी प्लानिंग। ओके के पहले हम लोग देखते, मैन इज द लर्न इन द आर्ट एंड द एक्स द स्टडी ऑफ सिविलाइजेशन, द स्टडी ऑफ सिविलाइजेशन। द स्टडी ऑफ सिविलाइजेशन इज आवर नॉलेज एंड हेल्प us to understanding the common characteristics as well as the different among the different cultures. Now we discuss Indus Valley civilization or Harappan civilization ya culture jisko kehte hain that exist in India, some area now part of in the Pakistan. जो old जो map देख रहे हो, in old map देख रहे हो, उसमें कुछ parts जो है वो आपके चले गए हैं पाकिस्तान, पाकिस्तान साइड में कुछ parts इंडिया में है। Remains of this the old stage and the largest ancient urban civilization India ka urban civilization were found in Mohan Jodro Kanhun Daro Rupar Lothal Kali Bangam and many other the places on the where the bank of river, ये जितने भी ये सब नाम है bank of river, कौन सा river, the Indus and is the tributaries in India, do you know the tributary, जानते हो tributary किसको कहते हैं? Hello, फर्स्ट ये टू टू सिक्स डबल वन कौन है, नेम नेम प्लीज, द टू सिक्स डबल वन When the main rivers come from the source place, जब कोई बड़ी नदी अपने उद्गम स्थान जो उनका जो मेन सोर्स है वहां से जब वो फ्लो करती है तो रास्ते में कुछ छोटे छोटे नदियां आके मिलती है, उसको ट्रिब्यूटरी कहते हैं। इंडस का ट्रिब्यूटरी है, झेलम है, रावी है, चेनाब है, सतलज है, ये सारी नदियां ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर इंडस। तो पहला ये हो गया, दूसरा क्वाइन एंड अदर मटेरियल्स एक्सकैवेटेड फर्स्ट एट द हरप्पा इन पंजाब इन द 1921। सो थ्री आर बी दया राम, आई मीन ही प्रूव दैट द 500 ईयर
देखो लीव ए सिविलाइज देश इन इंडिया, कहते हैं कि ये उनको इंफॉर्मेशन क्या था, तो क्वाइन के सहारे, क्वाइन को देखने से उन्होंने स्टडी किया और वो पता लगाया कि यहाँ 5,000 है ना, पहले यहाँ पर लोग इंडियन के प्रजाति के लोग रहते थे। लुक एट द मैप, अगर हम लोग मैप को इस देख रहे हैं तो मैप में देखो इंडिया है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, बॉर्डर देख रहे हो इंटरनेशनल है, द रावी सतलज रिवर देख रहे हो, लाहौर के पास देखोगे रावी है सतलज है ना, ये 50% पार्ट जो है वो चला गया था। सिविलाइजेशन कम टू नो द इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्योंकि ये इंडस रिवर के ऑन द बैंक ऑफ द रिवर इंडस, इसलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन कहो या इसको या हड़प्पा कल्चर कहो। एज वेल द सिटी एंड ऑब्जेक्ट फ्रॉम द हड़प्पा सिंबल, कहता है कि देखो वहां का जो सिटी शहर था, क्या प्लान था सिटी प्लान, उस समय के जो लोग वहां पर रहते थे वो प्लान वे में, और सही बात है कि अगर आप कोई भी सिटी को डेवलप करते हो तो अगर प्लान वे में, उस प्लान वे में वर्क करना चाहिए, और उसमें भी प्लान वे में आपका सबसे इम्पोर्टेंस आपका है कि उस एरिया का बॉर्डर लाइन उसको स्ट्रॉन्ग करना है, और टू प्रोटेक्ट किसे करना है, प्रोटेक्ट करना है अपने शहर को अपने एरिया को, तो द नेचुरल कैलेमिटी लाइक ए फ्लड से और इन अदर आउटसाइडर पीपल से। तो जैसे ही हम लोग स्टडी किए उस रिवर वैली, कौन सा रिवर वैली है, इंडस रिवर वैली हड़प्पा कल्चर हिस्ट्री करते हैं, तो देखते हैं कि एक्सकैवेशन द प्रूफ कैम द सिटी वेयर द वेल्ड प्लान, वहां का जो खुदाई करने के बाद या देख रहे हैं स्टडी करने के बाद देखने पता चला कि सिटी जो है शहर जो है वेल्ड प्लान है। द मोस्ट सिटी वेयर डिवाइडेड इन टू टू पार्ट, पहला था कि अपर अपर पार्ट को क्या कहेंगे हम, अपर पार्ट को जब स्टडी करने के बाद पता चला कि बहुत सारे मोस्ट सिटी जो है वो डिवाइडेड थे टू पार्ट्स में, तो एक अपर पार्ट्स हो गया एक लोअर पार्ट्स हो गया। अपर पार्ट्स किसको कहते यस हैं, सिटिल यस, एंड लोअर पार्ट लोअर लोअर टाउन हो गया, तो लोअर पार्ट द लो एज ए लोअर टाउन एंड अपर पार्ट एज ए नोन एज द सिटेल्ड। तो ये सेंट्रल पार्ट ऑफ द सिटी इंक्लोज इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स, इस जो सेंट्रल पार्ट ऑफ द सिटी जो अपर पार्ट जो है उसमें इंपॉर्टेंट बिल्डिंग थे, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग हो की बात करो है? और उस बिल्डिंग्स में इन क्या कहते थे, द ग्रेट बाथ एंड द ग्रेवी एंड टाउन हॉल, भंडार किसका भंडार था, खाद्यान्न भोजन का अनाज का भंडार था, दूसरा क्या था, बहुत बड़ा बाथ स्नान करने का था और टाउन हॉल था। सो बट लोअर पार्ट जो थे वो रेसिडेंशियल पार्ट थे। यहाँ जो बहुत वेल प्लान वे में कंस्ट्रक्शन किया गया था अपर पार्ट और लोअर पार्ट, अपर पार्ट जो है वो आपका जिसको सिटेल करते हैं उस वहां पर इंपॉर्टेंस पार्ट्स है क्या क्या है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर्स की बात करते हैं, उसके बाद फूड स्टोरेज स्टोरेज रहते हैं, और बट द सेंट्रल पार्ट जो है इंडिया सेंट्रल पार्ट इंपॉर्टेंस है, बट लोअर पार्ट जिसको लोअर टाउन कहते हैं वो एक्चुअली वो रेसिडेंशियल पर्पस से बनाया गया है। ए ह्यूज
ग्रेट बाथ वॉज बीन द डिस्कवर्ड कब कहते हो? तो इरम द मोहन जोद्रो एंड मिडिल पार्ट ऑफ द सीटेल इज द डीप बाथ इज द 12 मीटर लॉन्ग एंड 7 मीटर वाइड। सो कहने वाले कि उस समय काफी वेल प्लानवे में काम किया जाता है, जब खुदाई करने के बाद पता चलता है तो ग्रेट वर्क का, तो लंबाई और चौड़ाई देखो उसका, ठीक है, मैक्सिमम डेप्थ था वो 2.4 मीटर विद द स्टीप द लीडिंग डाउन इन टू द परहैप्स द पीपुल यूज फॉर द रिलीजियस पर्पस, मगर उस बात का लोग जो है वो रिलीजियस पर्पस में यूज करते थे। कितना गहराई है तो कब डेप्थ कितना था? डेप्थ इन द मिडिल ऑफ द सिटर इट डीप बाथ 12 मीटर लॉन्ग एंड 7 मीटर वाइड है ना, विद द मैक्सिमम डेप्थ द 2.4 मीटर विद द स्टेप लीडिंग डाउन इन टू द, बट बेसिकली उसका यूज करते थे रिलीजियस पर्पस के लिए यूज करते थे। पार्टी द दूसरा दूसरा आपका है द ग्रेट वॉच दैट वेल प्लान सिस्टम ऑफ वेल द सप्लाई एंड द ड्रेनेज सिस्टम। दूसरा वेल ड्रेनेज किसको कहते हैं? ड्रेनेज सिस्टम ए सिंगल रिवर फ्लो है ना जो अपने पाथ पर नेचुरल पाथ पर, तो ड्रेनेज पैटर्न की बात करते हैं। अगर मान लो सपोज करो कि कोई भी टाउनशिप करते हैं तो उसमें देखा जाता है क्या कि आपका जो वाटर का द फ्लो किधर की है ना, जो वाटर आप यूज करते हो डोमेस्टिक पर्पस में बात कर रहा हूँ, अगर जो डोमेस्टिक पर्पस में जिस वाटर का आप यूज करते हो तो वाटर जाता कहाँ? कैनल के द्वारा जाएगा कि नली के द्वारा जाएगा? आपका वो ड्रेनेज सही होना चाहिए ताकि वो आउटसाइड एरिया में वो वाटर फ्लो कर जाए। अमेजिंग फैक्ट दैट द ब्रिक वर्क एज द कंप्लीटली वाटर प्रूफ, और उसकी जो बनावट थी वो बनावट उसका इतना ईटे की बनावट थी, वाटर प्रूफ ईटा था। द फ्लोर ऑफ टैंक वाज बिल्ट विद द जिप्सम प्लास्टर एंड द थिक लेयर ऑफ द नेचुरल टार जिसको बिट्यूमिनस कहते हैं, यह मटेरियल्स का यूज किया गया था, मटेरियल्स का यूज जो किया गया था कि वो ईटा जो था टैंक बनाए, ईटा आपका जो है वाटर प्रूफ ईटा था, उसमें जो मटेरियल्स लगे थे पुराने में जिप्सन कहते हैं प्लास्टर्स है और थिक लेयर ऑफ द बिट्यूमिनस कारपोल। बट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द जस्ट द डिवाइड द सिटी प्लान द टू पार्ट्स। पहला पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? सिटेडल कहते हैं। जो सिटेडल क्या है? वाज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द सिटी इनक्लोज द इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स लाइक द ग्रेट वॉच एंड द ग्रेनेज एंड द टाउन हॉल, बट ऑल्सो हाउसेज आर द रूलिंग क्लासेज। ये रूलिंग क्लासेज द वीआईपी रूलिंग क्लासेज जो यहाँ पर लोग रहते, तो रूलिंग क्लासेज के लोग रहते, हाई एंड थिक उसका जो कंस्ट्रक्शन था हाउसेज का काफी हाई और थिक थिक वाल क्यों था? टू प्रोटेक्ट द सेंट्रल पार्ट ऑफ द सिटी का फ्रॉम द फ्रीक्वेंटली द फ्लड। इसलिए देखा कि अगर उसका जो वाल जो है काफी मोटा नहीं ठीक नहीं रहेगा, तो इसलिए मैंने कहा कि चारों सराउंडिंग द आउटर साइड एरिया क्योंकि इस कि जस्ट द प्रोटेक्ट द नेचुरल कैलेमिटी जो मैंने पहले ही कहा था नेचर करते ठीक वाल ठीक है ताकि वो प्रोटेक्ट अगर होता है फ्रीक्वेंटली फोर्स भी पड़ता है तो वो आपके वाल को डैमेज
नहीं करेगा। अगर मान लो वाल को डैमेज कर देगा तो पूरा एरिया आपका फ्लडेड एरिया हो जाएगा। तो फ्लडेड एरिया से बचाने के लिए आपको जो वाल तो था उसको काफी मजबूत और ठीक रखा गया। इंडस वैली, स्मॉल मर्चेंट, क्राफ्टमैन, ये सारे लोग जो है सेंटर में रहते थे। लेबरर्स इनहेबिटेड इन द लोअर पार्ट और द फ्लड्स ऑफ द इंडस वैली, बट सम मर्चेंट, क्राफ्टमैन एंड द लेबर इनहेबिटेड इन पर यस द लोअर लोअर पार्ट में। लोअर पार्ट में दो दो पार्ट है ना, मोस्ट सिटी वे यस सर, डिवाइडेड टू पार्ट होते थे। अपर पार्ट में रूलिंग पार्टी लोग रहते थे, जो वीआईपी कल्चर जिसको लोग करते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव थे, और दूसरा जो थे वो क्राफ्टमैन थे, मर्चेंट थे, एंड द लोग द लेबर्स लोग रहते थे। कहाँ रहते थे? द लोअर टाउन। बट यहाँ का हाउस जो है, यहाँ का कंस्ट्रक्शन जो बना हुआ किस तरह का बना हुआ था? तो यह था कि हाउसेज वेर बिल्ड ऑन अदर साइड द स्ट्रीट विद द बैक बिल्ड स्टोन एंड द वुड। इच हाउस हैज द टू और थ्री द स्टोरेज विद द स्टेयर्स, ऑल द स्टेयर्स द कट इच टू द राइट एंगल, यस है ना? द यस सर, ये मैंने ये आपका क्या है, इट जस्ट द आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई किया गया है कि विच टाइप ऑफ द कंस्ट्रक्शन कैसा था उस समय। मोहन हड़प्पा कल्चर में आपके हाउसेज का कंस्ट्रक्शन कैसा था? दो तरह के हाउसेज थे। पहला हाउसेज जो अपर हाउस और लोअर हाउस, दोनों हाउसेज के कंस्ट्रक्शन और किस हाउस के फॉर्म में कौन से रूलिंग पार्टीज या अदर मेंबर्स जो इनहेबिट थे। स्ट्रक्चर अब दूसरा, फिर मैंने ये तो रेसिडेंशियल स्ट्रक्चर बताया। फिर दूसरा क्या था कि जहां पर स्टोर अनाज भंडार जिसको हम लोग कहते हैं, आपके यहाँ गया मैं ना FCI, तो द सीटाडेल ऑल्सो हैड द लार्ज स्ट्रक्चर ऑफ द जेनरी हैज बीन द फाउंड इन द हरप्पा, वेयर द एरिया कौन सा था? तो लोहित और द कलीबंगम, ये दो जगह खुदाई में देखा गया। दे वेर बिल्ट इन द स्टोर ऑफ द सरप्लस ग्रेन, वो इसलिए बनाया गया था कि सरप्लस ग्रेन के लिए अनाज भंडार में अगर ज्यादा होता है तो उसको रखें। अगर क्यों पहले हम लोग स्टोर क्यों करते हैं, आज भी हम लोग देखते हो स्टोर करके रखते हैं, इसके पीछे रीजन क्या है कि अगर मान लो किसी भी कारणवश से आपका स्टोरेज खाली होता है या अनाज की कमी होता है, तो उस केसेस में हम स्टोर से अनाज का यूज करते हैं। बट दे वेर बिल्ड टू स्टोर, ठीक है, सरप्लस के लिए, और अलोंग द सिंगल ट्रेनिज द हैज बीन द थ्रू द बिगेस्ट ऑन हैज बीन द फाउंड मोहन जोद्रो। सो मोस्ट ऑफ द ग्रेनीज ऑल्सो हैड द स्मॉल द ब्रिज एंड फ्लोर। ये कहने का मतलब कि वो समय के जो हम लोग कल्चर देखे इंडस सिविलाइजेशन में, तो कंस्ट्रक्शन रेसिडेंशियल वहां पर लोग कैसे रहते थे, लोग कैसे वहां पर रहते थे, उनका रहने का स्थान क्या था। हाँ, कंस्ट्रक्शन जो बॉर्डर वॉल आपका है वो वॉल कैसे था, क्यों ठीक किया गया वॉल, उसके पीछे रीजन क्या था, इतना बड़ा स्टोरेज बनाने के पीछे क्या था, डीप चैन डीप बाथरूम बनाने का क्या था। तो ये सारे चीज को जो देख के, क्योंकि और नेचुरल कैलामिटी जो आपको जब फ्रिक्वेंटली अगर फ्लड आ जाता है, तो फ्लड से बचने के लिए, अपने शहर को बचाने के लिए किस हमको क्या उपाय करना चाहिए, अनाज भंडार हमको रखना चाहिए, ये सारी चीज की व्यवस्था किया गया था।
दे और कविता। अब उसको जो बनाने के लिए तो अच्छे से ग्रेनाइट पत्थर का यूज किया, ब्रिक्स से उसको कवर किया गया, स्टोन दिया गया वो द रिमूव हो। द स्मॉल ड्रेन ऑफ द बाथरूम एंड द किचन वेर ज्वाइंट विद द मेन ड्रेन विच द टर्न फिर इंटू द बिग ड्रेन इन द सिटी। आप देखो कि सपोज करो आप लोग देखेंगे, बता देते हैं कि गया गया का भी ड्रेनेज सिस्टम देखोगे, जितने भी आपके या हमारे घर के जो वाटर्स है वो आपका पाइपलाइन के द्वारा हम लोग भेजते हैं, डालते हैं। हर कॉर्नर पर टर्निंग पॉइंट पर एक चैम्बर बना हुआ है, चारों तरफ से आके उस चैम्बर भैया में स्टोर हो जाता है पानी, और वो धीरे धीरे इस बिग चैम्बर में स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाता है और लास्ट में वो पानी कहाँ फ्लो होता है जाके, है ना? अतेव ऑक्यूपेशन द मेन ऑक्यूपेशन द पीपल ऑफ इंडस वैली क्या था? द फार्मिंग वेविंग और क्या था? पोटी टॉय मेकिंग एंड मैटर्स वर्क। एनुअल फ्लड इन द इंडस रिन्यूड इन रिच द सॉइल। कहता है कि फ्लड के कारण जैसे फ्लड आया तो मोस्ट द अपर पार्ट ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल को वो इरोड कर रिमूव कर देता है। सॉइल के फर्टिलिटी जो पुराना सॉइल को हटा दिया फिर नया सॉइल, जिसके कारण क्या है कि आपको एग्रीकल्चर्स में काफी मदद होता है। मदद है। हाँ खेती के लिए, खेती के लिए काफी मदद मिलता है। तो ये तो हर साल यस होगा बेटा, फ्लड आता होगा, बारिश होती होगी, ऊपर का सॉइल का रिमूव हो गया, फिर नया सॉइल आया। गुड हार्वेस्ट ऑफ द, अब वहां पर सॉइल किसके फार्म एलुवियल सो जो भी सॉइल फर्टाइल सॉइल फॉर द सोल ऑफ एग्रीकल्चर्स के लिए बात करते हैं। हार्वेस्ट पे क्या है? द कॉटन है, व्हीट है एंड बार्ली एंड डिफरेंट मेथड्स ऑफ द इरिगेशन। अब वह उस समय हमारे पास तो आज टेक्निक्स है, हम उस समय ओल्ड डिफरेंट इरिगेशन सिंचाई के साधन, तो जनरली लोग जो है फार्मर जो थे वो नेचर पर डिपेंड रहते थे, नेचर पर डिपेंड रह के वो एग्रीकल्चर करते थे। रीजन तो ट्रेस ऑफ द कैनल हैव बीन फाउंड इन द सम ऑफ द सिटी अदर सोर्सेज ऑफ वेयर द वाटर रिजर्व करते थे, चाहे वेल में टैंक में। फार्मर यूज द प्लॉग्स स्टिकल्स एंड द फार्मिंग द कल्टिवेशन। सो कल्टिवेशन ऑफ द कॉटन इंक्रीज द किसको? तो इनके द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए, वहां के जो फार्मर थे कॉटन कॉटन ग्रो करते थे और वो इंक्रीज के कि कॉटन इंडस्ट्रीज के लिए। तो कॉटन आपका सोर्स हो गया और उसका जब हम लोग रिसोर्स के यूटिलाइज किए तो वो क्लॉथ में चेंज कर दिए। तो ये बहुत बड़का एक बड़ा बिग स्टेप था। डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज भी आपके पास थे, हाँ, अब उस कॉटन को हम लोग एक्सपोर्ट भी करते थे स्पिनिंग वेविंग करके पीपल्स को। डोमेस्टिक द लार्ज नंबर ऑफ द एनिमल्स भी वहां पर पाए गए, हाँ, जो पॉपुलर इंडस्ट्रीज भी रहा है, पोल्ट्री इंडस्ट्रीज भी रहा आपका। द पॉट्स और बिग मिट्टी का बर्तन को बनाया, ये सारे आपको देख आप देख लोगे सारा यहाँ पर देख लो। लुक एट द मैप में जो डायग्राम बनाया हुआ है, मेनी ब्रांच कहते हैं इंडस वैली वेद एक्सपोर्ट एक्सपर्ट इन द मेकिंग। क्या क्या मेकिंग का है? टेरिकॉट अनग्लेज एंड द रेडिश ब्राउन द ट्वाई एंड द स्कल्पचर्स ऑफ द एनिमल, बट द ग्रेटेस्ट आर्टिस्टिक स्किल इज द फाउंड इन द सेल। दूसरा दे मेनी ब्रांच टूल्स आर हैज बीन द डिस्कवर इंडस वैली हैड द मोस्ट। अब ये अंडरलाइन करना, द इंडस वैली हैड द मोस्ट मॉइस्ट मॉइस्ट क्लाइमेट एंड थिक फॉरेस्ट
फिश द प्रोवाइड द सफिशियंट द टिम्बर फॉर द इन एंड द फॉर द बिल्डिंग। को बोट, आप बोट्स का क्या यूटिलाइज करेंगे? बोट्स का हर्ष रंजन, हर्ष रंजन यस सर, अपना माइक म्यूट कर लो सर, म्यूट करो। यस, द बोट्स हेल्प द प्रोजेक्ट द इंटरनेशनल और इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड, जस्ट द डेवलप द सी रूट। नाव के द्वारा हम इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड को डेवलप करते थे। इंटरनल ट्रेड क्या है? वाज द कैरिड और द लैंड बॉर्डर बाय द कार्ट एंड द कैमल कार्ट करते हैं। बट दूसरा क्या कि अब मेजर्स के लिए द पीपुल्स यूज यूज द वेट्स एंड मेजर्स द प्लेट्स एंड द स्टोन्स स्टोन्स। दूसरा द सेल द मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन स्कैवेटेड फ्रॉम द इंडस सिटी एंड द रिमेन्स द डॉकयार्ड्स डिस्कवर एट द लोहित इन गुजरात द प्रूफ द पीपुल ऑफ इंडस वैली द ट्रेड रिलेशन द मेसोपोटामिया इन द अदर कंट्री। तो इससे ये पता चलता था कि यहाँ पर ट्रेड का डेवलप होता।